हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ और एक्सेल में आपको एक खास किस्म का सर्च बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। क्या है ये, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2007 वर्जन मैंने ओपन किया है, आप किसी भी वर्जन पे ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इनमें से देखिए ये जो सीरीज है, यहाँ पर जो टेबल बनाया इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ माउस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है MOUSE माउस, तो जैसे माउस लिख करके एंटर करते हैं तो माउस के सारे आइटम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं सारे आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा लाइक ईयरफोन, तो EARPHONE लिखा ईयरफोन और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर ईयरफोन पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ईयरफोन में गैप है तो यहाँ आपको गैप भी देना है। तो ये देखिए अब देखेंगे तो ये ईयरफोन पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके से अगर कुछ और देते हैं लाइक यहाँ पर मैं करता हूँ हेडफोन, HEADPHONE हेडफोन दिया तो यहाँ पे हेडफोन के पूरे आइटम सेलेक्ट हो जाने। तो ये कैसे बनाया मैंने, आइए आपको बताता हूँ। एकदम आसान है, एक बार में समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, दूसरे शीट पे आ जाता हूं मैं और यहाँ से ये डेटा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डेटा जो है इसी को मैं केवल कॉपी कर लेता हूँ, तो यहां से इसको कॉपी किया मैंने और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहां से अब ये डेटा नॉर्मल हो चुका है, इस पे कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर एक सर्च बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ आइटम नेम के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, कैसे सर्च करना चाहते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट हम डाले तो वैसे ही यहाँ पर हमें वो प्रोडक्ट हाईलाइट होता हुआ मिल जाए, हमें यही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये डेटा यहां से सेलेक्ट करना है, हेडिंग छोड़ करके यहां से सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद सीधा चले जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जैसे ही जाते हैं तो न्यू रूल आता है, न्यू रूल पे चले जाइए और यहाँ नीचे देवा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आते हैं। अब करना क्या है, आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहीं पे टाइप करेंगे तो हमें यहीं पे क्लिक करना है। पहले इस पे क्लिक कर लीजिए जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन किया है, तो ये फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस वैल्यू दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इस पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपको इक्वल टू खुद से नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आप इक्वल्स टू एक बार और लगाइए और फिर आपको सेलेक्ट करना है ये पहला वाला वैल्यू, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, यहां से इसे बना दीजिए मिक्स सेल एड्रेस, यानी रो से डॉलर हटा दीजिए और यहाँ पर कोई भी कलर अदर में चूज कर लीजिए जो आपको ठीक लगता हो। तो यहाँ पर ये कलर मैं चूज कर ले रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ और यहाँ से ओके कर दिया। अब हमारा सारा काम हो चुका है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नेम डालते हैं। जैसे देखिए ये डाला मैंने कीबोर्ड, KEYBOARD और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो देखिए कीबोर्ड के सारे आइटम हाईलाइट हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें कहीं भी कीबोर्ड ऐसा नहीं है जो हाईलाइट ना हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर इसको हटा करके कोई दूसरी वैल्यू देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ARPHONE ईयरफोन डाला हमने तो ईयरफोन के सारे आइटम हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ईयरफोन में जो यहाँ लिखा हुआ है दोनों के बीच में गैप है, तो ये गैप आप दे दीजिएगा, जैसे ही गैप दीजिएगा तो ये फिर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।